हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चन बच्चों लास्ट वीडियो में रह गए थे हमारे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने उसको वहीं बंद कर दिया था। आज हम देखते हैं इस सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आपको इस अर्जुना सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है बच्चों, वो आप लोगों के अभी मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसके लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिएगा बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है बच्चों? कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स इज बिलोंग टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। प्रत्येक एक क्या है हमारे पास? तुल्यता संबंध है। हमको बताना है कि ये तुल्यता संबंध हमारे पास दिया है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हम अगर लिखे तो एक सेट लिखते हैं, जो ए है वो दिया है बच्चों एक्स इज बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब है बच्चों इंटीजर से। सेट का मतलब किससे है? इंटीजर से है बच्चों, ठीक है? इंटीजर मतलब पूर्णांक से बच्चों, ठीक है? कहता है जेड, और कहता है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि ए बराबर क्या है आपके पास? अगर मैं इसको थोड़ा इधर लिखना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है आपके पास जो सेट है वो है बच्चों या तो 0 है और 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 0 से बड़ा है लेकिन 12 हो सकता है, 12 से छोटा हो सकता है, खत्म। इतनी बात हमारे पास दी है। अब कहता है रिलेशन दिया है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है जिसमें एक रिलेशन दिया है, आर बराबर ए कॉमा बी इज सच दैट ए माइनस बी यानी मॉडुलस ए माइनस बी इज कॉमा 4 का एक गुणज है, का एक गुणज। अब गुणज है कह दिया, इसका मतलब ध्यान से देखना, इन दोनों ए माइनस बी का जो मॉड लोगे वो 4 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ए माइनस बी सच दैट ए माइन मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 × r या 4 × λ, कुछ भी। अब ध्यान से देखो इस लेमडा की बात करें, अब लेमडा की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? अब लेमडा यहाँ जो आएगी वो वैल्यू आएगी कोई ना कोई, ठीक है? ध्यान से देखेंगे कि आपके पास जो ये वैल्यू मिलनी चाहिए, ये जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 4 की गुणा मतलब 4 का गुना कर देगा, 0 आ गया तो 4 × 0 0, अगर 1 आ गया तो 4 × 4, 2 आ गया तो 4 × 2 8, ये सब गुणज है, ठीक है बच्चों? तो क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये कंडीशन दी है मेरे पास, तो ध्यान से देखना, अगर मैं पहली बात करूं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य तो है हमको पता है क्योंकि तुल्यता संबंध है, बोल रहा है सिद्ध करने बोल रहा है, हमको पहले से पता है बच्चों, लेकिन हम बताएंगे कि कैसे है। ध्यान से देखो, क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि अगर a माइनस a लिख दूं मैं तो मेरे पास कितना आएगा? वो 0 आएगा, और 0 कहीं ना कहीं मल्टीपल है 4 का, तो मैं 4 × 0 लिख सकता हूं, तो ये 4 का ही तो गुणज है 0, है कि नहीं? इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि क्या a कॉमा a बिलोंग करेगा रिलेशन में, और जो ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो ये भैया तुल्यता संबंध है। अरे भाई अगर सममित के लिए देखोगे तो मैं कहता हूं कि अगर a माइनस बी मॉड में है और ये कहीं ना कहीं 4 × r है, 4 × r, अरे a माइनस बी कर रहे हो 4 × r यानी 4 का गुणज निकल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि b माइनस
ए भी जो होगा मॉड में मतलब दोनों पॉजिटिव देगा, मतलब ये भी तो 4 इंटू आर होगा कि नहीं बताओ। अरे सिंपल सी बात, मैंने कहा एक ऋण पांच कर दू इसका मॉड ले लू तो चार आया, या मैं कह दू पांच ऋण एक कर दू तो भी तो ये चार ही आ रहा है। तो मतलब हम कहेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज करेगा कि बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल वन कॉमा टू, यानी कि ए कॉमा बी जो होंगे आपके ए कॉमा बी वो बिलोंग करेंगे आपके भैया सेट ए में। तो ये सममित भी है, ये सममित भी है। लेकिन अगर मैं संक्रामक की बात करूं बच्चों, लेकिन अगर मैं संक्रामक की बात करूं, सॉरी अगर मैं संक्रामक की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो संक्रामक में क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखो। अब मैं बात करता हूं यहां पर संक्रामक की। तो मैं कहता हूं कि अगर ए माइनस बी करे तो इज इक्वल टू फोर आर आता है। तो क्या अगर मैं बी माइनस मॉड बी माइनस सी अगर कर दू तो ये भी तो फोर आर आ रहा है। तो मैं एक बात बोलूंगा कि ए माइनस सी करेंगे अगर मॉड में तो भी ये फोर आर आएगा। सर एग्जांपल से बताइए, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने कहा बच्चों कि एक ऋण पांच कर रहे थे तो मॉड में अगर लेके कर रहे थे तो ये चार था। तो मैं कहता हूं बच्चों कि पांच ऋण अगर यहां नौ कर दोगे बच्चों तो ये भी चार आएगा। तो मैं कहता हूं बच्चों एक ऋण नौ करोगे अगर मॉड में तो ये कितना आएगा, आठ आएगा। तो ये भी चार का गुना जाए, ये भी चार का गुना जाए और ये भी चार का गुना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं कहूंगा बच्चों, इसका मतलब मैं कहूंगा यहां पर, अगर इसको हम यहां से क्लीन कर दे तो मैं एक बात कहूंगा कि आप देखेंगे कि ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग टू आर, सो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग टू आर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बच्चों संक्रामक भी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब अगर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सेम ही है मेरे भाई, क्वेश्चन तो सेम ही है, बस यहां देखना है भैया रिलेशन देख लो। मैं सीधे रिलेशन लिख रहा हूं क्योंकि ये बात आपको बता चुका हूं। तो r बराबर कितना होगा, a कॉमा b इज सच दैट a इज इक्वल टू b। भैया अब एक बात समझो, a इज इक्वल टू b इसका मतलब क्या, a b दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब r क्या होगा। तो r होगा बच्चों आपके पास, मान लो जीरो है तो जीरो जीरो, फिर वन वन, फिर टू टू, ऐसी आप देखेंगे तो आपका ट्वेल्व ट्वेल्व तक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, पहली बात कि ये क्या है, स्वतुल्य तो है बच्चों, स्वतुल्य है। कैसा है, एवरी ए कॉमा ए, ए कॉमा ए इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू ए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्वतुल्य है। और अगर मैं बता दूं इसके डबल एक्स के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट नहीं होते ना बच्चों, तो स्वतुल्य ही होता है, यानी स्वतुल्य है। अब मैंने कहा डबल एक्स के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट नहीं है तो सममित भी होगा और वो संक्रामक भी होगा, मतलब ये तुल्यता संबंध होगा बच्चों। तो अगर मैं सममित के लिए देखूं, स्वतुल्य तो हो गया, सममित के लिए देखें, वन वन है तो वन वन है, टू टू है तो टू टू है, थ्री थ्री है तो थ्री थ्री है। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है अगर मैं एक बात बोलूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू अगर लेमडा आ रहा है बच्चों तो b माइनस ए भी तो, यानी अगर बराबर वाली बात किए या लेमडा वाली बात तो कर रहे ही है, इज इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है बच्चों तो भाई b माइनस ए भी तो जीरो ही आएगा। मतलब a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r में तो भाई इम्प्लाइज करेगा b कॉमा a भी तो बिलोंग करेगा r में फॉर ऑल a कॉमा b इज बिलोंग टू आपके पास सेट, जो सेट दिया है वो लिखोगे। उसके बाद अगर संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात करें तो ये भी बिलोंग करेगा बच्चों, मतलब a कॉमा b इज बिलोंग टू r कॉमा b कॉमा c इज बिलोंग टू r, तो इंप्लाइज करेगा बच्चों कि a कॉमा c भी बिलोंग करे r में। जहां पर देखोगे a कॉमा b कॉमा c इज बिलोंग टू a,
मतलब ये संक्रामक भी है, तीनों है तो यह तुल्यता संबंध होगा ही होगा बच्चों। क्लियर है, यहां पर कोई डाउट आपके नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगर 10 देखते हैं बच्चों आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप पाएंगे, कहता है कि ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य, न तो ये क्या हो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। न तो ये स्वतुल्य होना चाहिए ना तो संक्रामक होना चाहिए, लेकिन ये कैसा हो जाए सममित है, लेकिन ये कैसा हो जाए बच्चों सममित है। अब ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसी के सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ सीधे सीधे, वो एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चों, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, उस रिलेशन का एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने कहा आर एक रिलेशन है बच्चों, जिसमें मैंने लिखा अगर 1 2 लिख देते हैं और 2 1 लिख देते हैं तो मुझे बताओ कि ये तो तुल्यता है नहीं, ये तुल्यता संबंध है क्या? देखो ये देखो स्वतुल्य है क्या? स्वतुल्य नहीं है। अगर 1 1 1 रहता 2 2 रहता, तो अगर एक सेट है मेरे पास 1 2 3 दे रहा है, मान लो एक क्ले सेट लेते हैं 1 2 3 है ना, अगर 1 2 3 ले लिया हमने, तो 1 2 3 में एक सेट ले लिया हमने 1 2 और 3। अब बताओ 1 2 3 में 1 1 मिला गया नहीं मिला, खत्म, स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक देखो 1 2 है 2 1 है तो क्या 1 1 है? नहीं है, खत्म। लेकिन 1 2 है 2 1 है तो सममित है, खत्म। एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल कहता है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। अब संक्रामक होना चाहिए बच्चों, संक्रामक है होना चाहिए, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य भी नहीं होना चाहिए और सममित भी नहीं होना चाहिए बच्चों। तो एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको कि संक्रामक हो स्वतुल्य के लिए कंडीशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल दे दे इसके लिए, कौन सा एग्जाम्पल ऐसा दे जिसमें संक्रामक तो होना चाहिए, इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं बताइए आप, कुछ दिमाग लगा सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा अगर आपको कोई दूसरा एग्जांपल पता हो। सभी के अनुसार अलग अलग इसके आंसर होंगे। तो मैंने कहा एक रिलेशन दे देते हैं हम यहाँ पर, है ना, एक संबंध दे रहे हैं। अब मैं कहता हूँ वो संक्रामक होना चाहिए, लेकिन संक्रामक होने के लिए अगर मैंने कहा अगर यहाँ पर 1 2 है सपोज, उसके बाद अगर 1 2 दिया है मेरे पास, बस ख़त्म कर दूँ इसमें भैया, 1 2 दिया है क्या, 1 1 दिया है इसी सेट के लिए ले रहे हैं हम, 1 2 दिया है क्या, 1 1 दिया है नहीं दिया है, 2 2 दिया है नहीं दिया, खत्म, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए 1 2 दिया है, 2 1 दिया है नहीं दिया है, खत्म, सममित नहीं है। संक्रामक देखो अगर 1 2 दिया है, भैया 2 के बाद वाला कोई पेयर नहीं दिया तो ये संक्रामक है सीधे, एक एलिमेंट कहीं दिया है वो संक्रामक बोलो, खत्म करो। ठीक, चलो इसको देखते हैं आगे। स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। अब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो इसी सेट के लिए ले लेते हैं। तो मैंने कहा R इज इक्वल टू, क्या कहा हमने कि 1 1 है मेरे पास, उसके बाद 1 1 1 दे दिया हमने, उसके बाद 2 2 दे दिया हमने, 2 2 है मेरे पास, 3 3 है मेरे पास, 1 2 है मेरे पास और 2 1 है मेरे पास। चलो देखो इन तीनों को चेक नहीं करेंगे, इन दो को चेक करेंगे, तो भाई हमारे 1 2 है तो 2 1 है, कोई दिक्कत नहीं, सममित और स्वतुल्य है। लेकिन संक्रामक देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, ठीक है, उसके बाद 1 2 है, 2 2 है तो कितना 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है तो भाई 2 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक एलिमेंट और देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो तीनों चीज़ हो रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कहे एक एलिमेंट ऐसा दे देते हैं, मान लिया जाए कि 2 दे दिए हमने ना, कौन सा दे दे एग्जांपल, अगर हमें एक बात कहे इसको तो 1 2 स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, है ना, ये तीनों बात हो गई। एक एलिमेंट दे दिए 1 2 2 1 भी हो गया, 1 2 वाली कंडीशन हो गई, है ना। अगर हम 1 3 दे रहे हैं, 3 1 दे रहे हैं तो ये भी नहीं। अगर मैंने कहा 2 3 दे दिए और हमने कहा 2 3 दे दिए और 3 2 दे दिए तो सममित तो है, स्वतुल्य के देख लेते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं, 2 3 दिया है, 3 3 दिया है तो 2 3 है ना, फिर 2 3 दिया है, 3 2 दिया है तो 2 2 भी है, फिर 2 3 ये भी दिया है, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। ये एग्जांपल इसका नहीं हो सकता, संक्रामक भी हो रहा है, संक्रामक भी हो रहा है। तो हम एग्जांपल एक अलग चेंज करते हैं, इसको एग्जांपल हम इसको बदल देते हैं, कौन सा एग्जांपल देंगे,
कमेंट कीजिए, आपके भी कमेंट आने चाहिए क्योंकि सभी के अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं। चलो एक रिलेशन लिखते हैं। अगर मैं कर दूं कि ए ए माइनस बी वाली कर कंडीशन दे तो, ए माइनस बी वाली कंडीशन दे तो, या इज इक्वल टू वाली कंडीशन दे, इक्वल वाली कंडीशन देंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी तो बड़ा हो जाएगा हमेशा। अगर इक्वल वाली कंडीशन दे दे और उसको हम वास्तविक संख्या का समुच्चय बोल दे, तो क्या हमने एक एग्जांपल दिए थे ना अभी, एक एक एग्जांपल हमने कौन सा दिए थे बच्चों, वो एग्जांपल था हमारा ये। देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए, इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज पर चलिए। यहाँ पर ये क्या था, सममित संक्रामक स्वतुल्य तीनों था कंडीशन, है ना। चलिए एग्जांपल भी काम नहीं आ रहा था, ये सममित था। ठीक आगे बढ़ जाते हैं, चलो छोड़ो इसको, कहाँ गए, हाँ ठीक ये इसके लिए स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। तो अगर मैं ये कंडीशन भी नहीं लेता, अब इसको भी हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि इससे भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, इससे भी हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, तो इसको भी हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं और हम कहते हैं कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसा चूज करें। स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए तो अगर कंडीशन ले तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 तो दे देते हैं, 1 2 संक्रामक न हो, है ना, 1 2 दे देते हैं। उसके बाद अगर मैंने कहा 2 1 ये कंडीशन, 1 2 एक रिलेशन हो संक्रामक, संक्रामक के लिए कौन सी कंडीशन होगी बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हैं, 1 1 है, 2 2 है, उसके बाद 2 3 सॉरी 3 3 भी है, ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मैंने कहा कि हमारे पास 3 1 लिख देते हैं या 3 2 1 3 3 1 3, ठीक है ये 1 3 लिख दिए हमने, 3 1 लिख दिए, या हम 1 2 2 1 3 1 लिख दिए, ठीक है एक 3 1 लिख दिए, 3 1 कंडीशन को दे रहा है क्या, 3 3 3 3 तो 3 1, तो 3 1 मिल रहा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, 3 1 है अपने पास, फिर 1 1 है, तो हमारे पास 3 1 भी है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 3 2 देख करके देखते हैं, तो हम एग्जांपल अगर 3 2 का रखें यहाँ पर, तो 3 2 का क्या होगा, अगर 3 2 देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 3 2 है तो 1 3 नहीं होगा, क्या दे देंगे एग्जांपल, तो देखिए बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो फर्स्ट, अब देखेंगे कि सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो, यानी वो सममित होना चाहिए परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो देखिए बच्चों अगर पहले क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक सेट ले लेते हैं। माना एक सेट है मेरे पास ए, जिसके एलिमेंट बच्चों 1 2 एंड 3 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर मैं एक रिलेशन बोलूँ फर्स्ट के लिए, अगर मैं इसके लिए रिलेशन बोलूँ बच्चों, तो मैं रिलेशन आर कह देता हूँ कि मेरे पास रिलेशन आर ऐसा है कि मैंने बोला कि इसमें कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे ले रहा हूँ कि 1 2 और 2 1 बच्चों, ठीक है 1 2 और 2 1 है। अब आप इसमें देखेंगे बच्चों कि स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन थी, स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन ये होती है बच्चों कि 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर बनना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर बन रहा है क्या, नहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक की देखिए बच्चों, तो संक्रामक नहीं हो सकता, क्यों, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 नहीं है, लेकिन सममित हो सकता है क्योंकि अगर 1 2 है तो 2 1 है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो सममित हो, यानी हमारे पास संक्रामक मिलना चाहिए बच्चों,
लेकिन ना तो ये हमारे पास स्वतुल्य होना चाहिए और ना तो समित होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए क्या हम इसको ऐसे ले लें कि एक रिलेशन हम बता दें कि आर है, आर एक रिलेशन है, और मैं कह देता हूँ कि ए कॉमा बी सच दैट, इज सच दैट, अगर मैं कहूँ कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, और ये सेट, ये जो रिलेशन निकला है ये सेट आर के लिए निकला है। अगर मान लो आपके पास सेट जो है वो आर है और रियल नंबर का सेट है, ये किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है, तब मैं क्या बोलूँगा कि इस सेट से हम बता पाएंगे। देखो ध्यान से, अब ए इज लेस देन बी मतलब ए छोटा होना चाहिए बी से, इसका मतलब है ए तो हो नहीं सकता, मतलब वन वन नहीं हो सकता, टू टू नहीं हो सकता, थ्री थ्री नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य तो है नहीं, सममित भी नहीं हो सकता। अगर मान लो वन टू है तो भाई टू वन नहीं हो सकता, ये देखो वन टू है पर टू वन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये ए लेस देन होना चाहिए बी से बच्चों, पर ऐसा है क्या, नहीं है, मतलब ये सममित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक होगा बच्चों। अगर वन टू है, मान लिया जाए वन टू है, फिर मैंने कहा कि टू थ्री है, तो भैया वन थ्री होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो एक रिलेशन हमको देना था, हमको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना है किसके, संबंध के एग्जाम्पल देना है, तो हमने एक रिलेशन ये दे दिया। कब दिया बच्चों, कब दिया, तो आप देखेंगे इसके लिए सेट कौन है, इसके लिए सेट क्या है, किसका समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या का समुच्चय ले रहे हैं हम यहाँ पर, वास्तविक संख्या का समुच्चय ले रहे हैं बच्चों, है ना, वास्तविक संख्या का समुच्चय ले रहे हैं। अब अगर तीसरे की बात करेंगे बच्चों, अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरे में ध्यान से देखेंगे आप लोग, कहता है स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, है ना, स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए, किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो इसके लिए हम यही वाला सेट ले लेते हैं, और मैं कहता हूँ एक रिलेशन है मेरे पास आर इज इक्वल टू, जिसमें मैंने कहूँगा वन वन है, फिर उसके बाद टू टू है, फिर उसके बाद थ्री थ्री भी है, फिर उसके बाद अगर हमें आगे बढ़ो बच्चों तो मैं कहता हूँ मेरे पास कि वन टू है, फिर टू वन है बच्चों, ठीक है, मेरे पास वन टू है, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टू वन है, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि टू थ्री है, और फिर मेरे पास थ्री टू है बच्चों, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए क्या ये स्वतुल्य है, हाँ वन वन टू टू और थ्री थ्री, चलो डब सभी के डबलेक्स मिल गए तो ये मेरे पास स्वतुल्य है, सममित है, देख लेते हैं, इन तीनों की बात मत करो, वन टू है तो टू वन है, टू थ्री है तो थ्री टू है, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब संक्रामक के लिए इन तीन की को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलो कर लेते हैं एक बार, वन वन है, वन टू है तो वन टू, वन टू है तो वन टू है, ठीक है, फिर क्या है मेरे पास टू टू है, टू वन है तो टू टू है, टू वन है तो टू वन है, ठीक है, टू टू है, टू थ्री है तो भैया टू थ्री है, कोई दिक्कत नहीं, थ्री थ्री है, थ्री टू है तो थ्री टू है, उसके बाद आप देखेंगे वन टू है, टू वन है तो वन वन है, ठीक, उसके बाद टू वन है, ये हम कह सकते हैं वन थ्री है, वन टू है, टू थ्री है तो वन थ्री नहीं है बच्चों, जब वन थ्री नहीं है तो ये स्वतुल्य, सॉरी संक्रामक नहीं होगा बच्चों, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हम, कि फोर के लिए क्या रिलेशन मिलना चाहिए, क्या रिलेशन लेंगे, कि वो स्वतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सममित न हो, यानी स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए लेकिन हमारे पास सममित नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि R इज इक्वल टू, चलिए क्या मैं सेट वही चूज कर लूँ, चलो इसी सेट को हम चूज कर लेते हैं और इसको हम आगे लेकर के चलते हैं बच्चों, क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बात बोल रहा हूँ कि फोर्थ वाले के लिए, किसके लिए बोलने जा रहे हैं बच्चों, हम फोर्थ वाले के लिए बोल रहे हैं कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। अब ऐसे के लिए अगर मैं रिलेशन की बात करूं बच्चों तो R इज इक्वल टू, मैं कह देता हूं ए कॉमा बी इज सच दैट, इज सच दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, चलो ऐसे कह देते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, आपके हिसाब से इसके एग्जांपल कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मैं कुछ और बता रहा हूँ, कोई और टीचर अलग बताएंगे एग्जाम्पल, ठीक। अब ध्यान से देखो, और इसके लिए सेट कौन होना चाहिए बेटा, फिर से इसके लिए सेट कौन सा होना चाहिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इस बात को अगर समझे हम लोग तो भैया ये तो बात सही कि स्वतुल्य होगा, इक्वल वाला कंसेप्ट दिया है मतलब स्वतुल्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि ये सममित नहीं, संक्रामक होगा किंतु सममित नहीं होगा,
ठीक है। संक्रामक होने के लिए कंडीशन है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कोई भी वैल्यू रखूँ तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए दूसरी से, ठीक है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सममित नहीं होगा, क्योंकि अगर पहली वैल्यू बड़ी हुई, मतलब दो है और इधर एक है, तो भैया एक और दो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक का दो का क्यूब तो आठ आठ हो जाएगा, एक का क्यूब एक ही होगा, ये तो बिलोंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का क्यूब एक होगा और दो का क्यूब कितना होगा, आठ होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, ये बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि ये सममित नहीं होगा, मतलब कि ये सममित नहीं होगा। तो हम थर्ड है सॉरी फोर्थ के लिए एग्जाम्पल ये ले लेते हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? नहीं है बच्चों, ठीक है, बड़े आगे हम लोग। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अरे हम कहाँ आगे हो गए क्या? चलिए प्रीवियस स्लाइड में हम फिर अगेन आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव को समझते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या लिखना चाहिए हमें। हमको कहता है बच्चा कि ये सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, यानी कि हमको एक ऐसा ऑप्शन लेना है या एक ऐसा रिलेशन लेना है जो सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, किंतु किंतु स्वतुल्य नहीं होगा, किंतु स्वतुल्य नहीं होगा बच्चों। तो चलिए हम लेते हैं वही अगेन सेट अपना, वही वाला ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, ये हम सेट ले लेते हैं, तब इस पर एक रिलेशन बताएंगे कि आर इज इक्वल टू, चलो अगर आर इज इक्वल टू लिख दिए हम लोगों ने, अब ध्यान से देखिएगा कि मैं कह देता हूँ कि मेरे पास वन वन है, मेरे पास टू टू है, मेरे पास उसके बाद वन टू है और मेरे पास टू वन है। चलिए ले लिया हमने, ध्यान से देखो वन वन है, टू टू है, बट थ्री थ्री नहीं है, थ्री थ्री नहीं है, तो स्वतुल्य की तो बात खत्म हो गई, स्वतुल्य नहीं होगा। अब देखो सममित तथा संक्रामक हो, चलो सममित की देखेंगे, वन वन है तो वन वन है, टू टू है तो टू टू है, चलो वन टू है फिर टू वन है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए, अगर वन वन है, वन टू है तो वन टू है, फिर टू टू है, टू वन है तो टू वन है, उसके बाद हम देखेंगे कि वन टू है, टू वन है तो वन वन है, वन टू है, टू टू है तो वन टू है, उसके बाद टू वन है तो टू वन है, क्लियर है। तो मतलब पूरे के पूरे फील हो रहे हैं, इसका मतलब है यह स्वतुल्य भी है, सॉरी सममित भी है और संक्रामक भी है, किंतु स्वतुल्य नहीं है बच्चों, ऐसे आपको चेक करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर इज इक्वल टू पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु क्यू की मूल दूरी, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए दिया है, क्या दिया है बेटा, समतल में स्थित, समतल में स्थित, समतल में स्थित बिंदु बिंदुओं का समूह। ठीक है, अब यहां रिलेशन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन दिया है कि P, Q सच दैट, है ना, यानी कि मूल बिंदु क्या होता है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी अगर मैं मूल बिंदु से बात करूं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी बच्चों, समान है। तो कहता है द्वारा प्रदत्त संबंध, चलो इसको लिख देते हैं हम, कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ये बात हमारे पास दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, R कैसा संबंध है बच्चों, तुल्यता संबंध है। उसके बाद फिर बात का कंसेप्ट बाद में देखते हैं, ध्यान से देखो, अब कहता है समतल में स्थित बिंदुओं का समूह, ये मान लो ये जो आपके पास बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड पर जितने भी बिंदु है उन बिंदुओं के समूह की बात कर रहे हैं। कहता है पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, इसका मतलब भैया एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ऐसी कंडीशन है, यानी कोई भी दो बिंदु एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब कि स्वतुल्य वाली कंडीशन है। अगर स्वतुल्य है तो फिर कोई
दूसरी बात होने वाली नहीं है, इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी वाला कंसेप्ट है। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बात आप लोगों से बोलूं कि आर इज इक्वल टू, आप ये समझिए कि जो पी है, पी कॉमा क्यू है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर है। अगर ये कंसेप्ट दिया है हमारे पास, ये कंसेप्ट दिया है, तो हम ये कहेंगे कि भैया पी बराबर क्यू है, इसका मतलब कि सभी के पेयर बनेंगे, यानी सभी के डबल एक्स बनेंगे, और डबल एक्स बनेंगे, बाकी कोई दूसरी चीज बनने वाली नहीं है। और मैंने आपको बताया था, अगर मान लिया जाए मेरे पास एक समुच्चय दिया है 1, 2 और 3, और मैंने कहा एक रिलेशन है इसमें कि जो 1, 1, उसके बाद 2, 2 और उसके बाद 3, 3, ये रिलेशन है बच्चों। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य के अलावा, मतलब सभी के डबल एक्स मिले इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। सेम ऐसे ही ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। क्लियर है? कहता है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी इज डज नॉट इक्वल टू 0, 0, है ना, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। ध्यान से देखेंगे, कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी डज नॉट इक्वल टू 0, 0, इसका मतलब है बिंदु पी कहाँ है, यानी बिंदु पी यहाँ पर तो है नहीं। मान के चलिए हमारे पास ये बात दी गई है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि मेरे पास एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, उसके बाद मेरे पास एक एक्सिस ये हो गई, ये मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दो बात तो हमारे पास क्लियर है। अब इसका मतलब जो बिंदु P है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु पर P नहीं है, P कहीं और है। क्या होता है, सीधे कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P, सभी बिंदुओं का समुच्चय जितने भी बिंदु है उसका समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं तो क्या कह रहा है यहां पर, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0, 0, यानी बिंदु P यहां मूल बिंदु पर नहीं, कहीं और है बिंदु P, मान लो ये यहां है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे व्रत को निरूपित करता है, P से होकर जाने वाले एक ऐसे व्रत को निरूपित करता है जिसका मूल बिंदु क्या है बेटा, हमारे पास जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। अब एक बात आपको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में है क्या। अगर मैंने कहा ये व्रत मैं ले रहा हूं, ये व्रत मैं ऐसे बना रहा हूं, ये व्रत बन गया हमारा ये व्रत, ठीक है, इसको थोड़ा सा किसका देते हैं, ये क्लियर है, हमने ये व्रत बना दिए। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या बात कह रहा हूं, मैंने कहा कि बिंदु P मूल बिंदु पर नहीं था, यही बात बोला उसने। अब मैंने कहा अगर बिंदु P यहां पर है, अब इससे मिलाकर के एक व्रत बना रहा हूं, इससे मिलाकर के क्या बना रहा हूं बच्चों, मैं व्रत बना रहा हूं। और मैंने कहा था कि ये बिंदु P, इसका मतलब बिंदु P क्या था कि हमारे पास जितने भी समतल में बिंदु थे उसके समुच्चय में कोई एक बिंदु था कि नहीं। अब यहां पर हमने क्या बोला, रिलेशन क्या बोल रहा है, कहता है कि पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका मतलब मूल बिंदु से जितनी दूरी मूल बिंदु से जितनी दूरी इस पी की होंगी, जितनी दूरी इस पी की होंगी बच्चों, तो क्या मैं एक बात कहना चाहूँ आप लोगों से कि मैं अगर कोई दूसरा बिंदु ले रहा हूँ, तो यानी Q ले लिया, मान लिया जाए ये मैंने बिंदु क्या ले लिया, Q ले लिया। अब मैं ये बिंदु ये Q लेके चला, तो क्या उसकी दूरी भी वही होगी। अब मैं क्या बिंदु और अलग कोई दूसरा बिंदु चूज करता हूँ, तो क्या उस बिंदु की दूरी भी लगभग सेम होगी, क्या उस बिंदु की भी दूरी लगभग क्या होगी, सेम होगी। मान लो ये R है, अब ऐसे ही मैं कोई भी और बिंदु लूँ, तो क्या ये जितना दूर बिंदु P है मूल बिंदु से सभी बिंदु उतने ही दूर होंगे, होंगे कि नहीं। जब सभी बिंदु उतने ही दूर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्कल के सर्कमफेरेंस, यानी कि हम वृत्त की परिधि को बना रहे हैं, वृत्त की परिधि को बना रहे हैं, तो जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, और इन बिंदुओं से अगर वृत्त जाएगा तो उसका केंद्र कौन होगा, मूल बिंदु ही तो होगा बच्चों, मूल बिंदु ही तो होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, चलो बड़े आ गए हम लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12।
कहता है सिद्ध कीजिए कि समतल समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए में। चलिए पहली बात हमारे पास दिया है ए बराबर समस्त त्रिभुज। समस्त क्या दिया बेटा? त्रिभुज दिया है पहली बात में। R इज इक्वल टू टी वन टी टू सच दैट टी वन टी टू के समरूप है। देखो रिलेशन क्या दिया है बेटा हमारे पास, ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू सच दैट ट्राइंगल वन कॉमा ट्राइंगल टू के समरूप है, यानी सिमिलर है। ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। R एक क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। कहता है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। कहता है T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इस बात को हम आपको समझाना चाहेंगे कि पहली बात हम ये बताएंगे कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। एक बात बताओ, मैंने कहा एक अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, ये एक ट्राइंगल बना दूं, पहली तो बात समझो कि हमारे पास जो एक समुच्चय दिया है उसमें समस्त त्रिभुज दिए गए हैं। उसमें क्या दिए गए बच्चों? समस्त त्रिभुज दिए गए हैं। उसमें समस्त त्रिभुज दिए गए जिसमें अब समकोण भी होगा और कोई मतलब समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, सब त्रिभुज है बच्चों। क्लियर है? अब कहता है कि R उसमें संबंध है जो T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। इसका मतलब T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब भैया कि स्वयं त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। समरूप का मतलब पता है कि नहीं तुमको? समरूप का मतलब होता है बच्चों, समरूप का मतलब होता है जिसका आकृति भी समान हो, आकृति जैसा दिखता है वैसे, और आमाप भी समान हो, आमाप भी समान हो। इसका मतलब है बच्चों, अगर मैं एक सर्कल बना दूं ये, और दूसरा सर्कल बना दूं बच्चों ये, के दोनों सर्कल समरूप है। हाँ, ये दोनों सर्कल समरूप है। समरूप होने के लिए उसकी आकृति समान होनी चाहिए, समरूप है ना, सर्वांग सम नहीं है, क्या होना चाहिए? ओनली आकृति समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? ओनली आकृति समान होनी चाहिए, है ना। आमाप समान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की आकृति समान है। अब मैंने एक बार बोला कि अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ऐसे ले लेता हूँ, मान लिया जाए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया पर थोड़ा बड़ा ले लिया, कोई दिक्कत है? नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर मैंने कहा तो ये दोनों सेम होगा। अब दोनों सेम है तो एक बात आपको और बताना चाहूँगा बच्चों में, कि अगर ये बात ऐसी हो रही है तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि दो अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत, यानी कि अगर त्रिभुज की बात किया तो दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। तथा दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, तथा दूसरी बात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इतनी बात याद रखना बच्चों। चलो अब यहां ध्यान से देखो, पहली तो बात आपको बता देना चाहूंगा मैं कि रिलेशन क्या होगा। तो भैया एक बात समझा रहा हूं, दोनों समरूप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं स्वतुल्य देखूं तो स्वतुल्य में याद रखना बच्चों कि जो T1 है, या मैं अभी यहां बात कहूं, हाँ चलो T1 है कॉमा T1, ये बिलोंग करेगा R में, याद रखिएगा T1 कॉमा T1, मतलब कि स्वयं त्रिभुज स्वयं का समरूप होगा। जैसे मैंने व्रत बताया था तो अलग अलग व्रत बताया था तो भी समरूप थे, वैसे अगर सेम अगर व्रत है तो भी समरूप है। ठीक है, अगर मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं भैया तो मेरा ही तो प्रतिबिंब बनेगा, समरूप तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप मतलब एक जैसी आकृति वाले, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वतुल्य हो जाएंगे, क्लियर है। अगर मैं सममित देखूं बच्चों, तो मैं बात कहूंगा कि T1 कॉमा T2 इज बिलोंग टू R, मतलब T1 T2 का समरूप है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि T2
टी टू टी वन का भी क्या होगा, समरूफ होगा, मतलब ये बिलोंग करेगा, मतलब क्या होगा, ये सममित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं संक्रामक की बात करूं बच्चों, तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर टी वन टी टू का समरूफ है, फिर मैं कहूंगा टी टू टी थ्री का समरूफ है, तो मैं यहां बाद बोलूंगा बच्चों कि टी वन टी थ्री का समरूफ होगा, बिलोंग करेगा R में, इसका मतलब ये संक्रामक भी होगा। और यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यह क्या हो जाएगा बेटा, तुल्यता संबंध भी होगा, तुल्यता संबंध भी होगा, तो यह तुल्यता संबंध भी होगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरी बात जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इस बात को अगर समझना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर अप्रोक्स जगह नहीं होगी मेरे पास लगभग, तो हम इन चीज को आगे लेके चलते हैं और हम थोड़ा सा इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, चलो ये ब्लैंक पेज तो हमारे पास है नहीं अभी, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ जाइए, चलिए यहाँ से एक ब्लैंक पेज, या यहाँ पर हम इस बात को बताना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहता है, दो त्रिभुज समरूप है, तो मैंने पहली बात बोला समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब मान लिया जाए एक त्रिभुज मेरे पास ये है, ये, और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये है। मैंने कहा इस त्रिभुज का एक कोण ये बी और ये सी है, ये आपका पी है, ये क्यू है और ये आर है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं कहता हूं कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा बच्चों एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा बच्चों एंगल आर के, पहली बात होना चाहिए। दूसरी बात, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि जो ए बी है अपान पी क्यू होना चाहिए, बराबर बी सी अपान क्यू आर होना चाहिए बच्चों, और सी ए अपान आर पी होना चाहिए बच्चों, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा था, यहाँ पर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर आगे बढ़े हम लोग तो इस बात को ध्यान से देखिएगा कि इस स्लाइड में देखो क्या बात बोल रहा था। कहता है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज टी वन, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज टी टू, तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज टी थ्री पर विचार कीजिए, और टी वन टी टू और टी थ्री में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित होने का मतलब है कि समरूप है। क्लियर है? देखते हैं और हम देख इसको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर पहले त्रिभुज की जो हमको साइड दी गई है, तो पहला देखेंगे आप तो 3, 4, 5 दिया गया है, दूसरे में 5, 12, 13 दिया गया है, और चौथे में तीसरे में 6, 8 और 10 दिया है बच्चों। अब देखो बच्चों कि ये समरूप कब होंगे, समरूप कब होंगे जब इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी इनको भुजाएं दी गई है, उनको भुजाओं का अनुपात दिया गया, भुजाएं दी गई है, तो अब इनका अनुपात चेक कर लेते हैं। अनुपात क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे बच्चों। तब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समकोण त्रिभुज की तो भुजाएँ हैं, अब इनके अनुपातों को चेक करेंगे। तो पहली बात देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि पहला त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, तो ये 3 है बटे अगर मैं 5 करूं, अब ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरी बात की 4/12 कर देते हैं और हम 5/13 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या इनके भुजाओं का अनुपात हमको सही मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। देखो अगर इस देखोगे तो इक्वल नहीं है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी, अब पहले और किसको मिलाते हैं, दूसरे को, मतलब 3/6 = 4/8 = 5/10। अगर अनुपात देखा जाए बच्चों इनका, तो 1:2 = 1:2 = 1:2 है, मतलब 3 × 3 = 3, 4 × 4 = 4, 8 × 5 = 5, 5 × 2 = 10। अब हम दूसरे और तीसरे को देखते हैं, तो 5/6 = 12/8 = 13/10, भाई ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है,
मतलब अब देखेंगे कि त्रिभुज टी टू से कौन सम सॉरी हाँ त्रिभुज टी वन से कौन संबंधित है, टी वन व टी थ्री परस्पर कैसे बेटा, परस्पर संबंधित संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि कौन कौन संबंधित है बच्चा, कि आप देखेंगे तो T1 और T3 संबंधित है ना, संबंधित है T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित है, बाकी संबंधित नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सॉरी क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, केवल और केवल ये इक्वल है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आ गए थे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी ए अब अपने पास समुच्चय है जिसमें क्या है, समस्त बहुभुज है बच्चों, समस्त बहुभुज है जिसका रिलेशन देखते हैं, R इज इक्वल टू पी वन पी टू सच दैट पी वन तथा पी टू की भुजाओं की संख्या समान है। क्या दिया गया बच्चों, पी वन कॉमा पी टू सच दैट पी वन व पी टू की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत ही नहीं भैया। क्या कहेगा, स्वतुल्य सममित और संक्रामक के लिए बता देता हूं, ये तीनों होंगे, क्यों होंगे ध्यान से देखो, कहता है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। मतलब अगर P1 में तीन भुजा है तो P2 में भी तीन है, P1 उसके बाद P1 में अगर चार भुजा है तो P2 में भी चार है, P1 में अगर पांच भुजा है तो P2 में भी पांच भुजा है, P1 में अगर छह भुजा है तो P2 में भी छह भुजा है। भैया अगर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि अगर स्वयं से स्वयं के इक्वल होगी कोई दिक्कत नहीं, P1 में अगर तीन है तो P1 में फिर से तीन होगी, मतलब इक्वल ही है, तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है तीन चार और पांच लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि तीन चार और पांच लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय हमको बताना है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बात बोलूं कि अगर मेरे को बताना है कि ये तीन चार पाँच लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, तो मैं एक बात बोलूँगा कि मेरे पास तीन चार पाँच लंबाई वाली जो भुजा है ना, उससे संबंधित अगर मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ, तो इससे संबंधित अगर मैं त्रिभुज लूँगा तो मेरे को बताओ ना कि अगर समुच्चय लूँ तो बी हो जाएगा, और मैं यहाँ बोलूँगा समस्त, क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग, कि समस्त हम क्या बोलेंगे, समस्त त्रिभुज। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, समस्त त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे समस्त त्रिभुज, क्योंकि भैया उसमें तो तीन भुजा है ना, हमको तीन भुजाओं वाला बोला उसने, केवल क्या बोला, तीन भुजाओं वाला बोला, क्या बोला, तीन भुजाओं वाला बोला। क्लियर है, ठीक है, बड़े आगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 14। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। भाई एल एक समुच्चय है जिसमें क्या है, समस्त रेखाएं हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। और एल में आर एल वन कॉमा एल टू, एल वन समांतर है एल टू के, मतलब रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एल वन कॉमा एल टू सच दैट एल वन समांतर है एल टू के, अगर ऐसी कंडीशन दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या बात कह रहा है बच्चों,
ध्यान से देखेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर मैं आपके पास x एक्सिस y एक्सिस बना दूं, मतलब कि एक्स वाई तल ले लूं, एक्स वाई तल बना रहे हम, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, तो अब ये जो तल मिला बच्चों, ये तल मिला वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई तल है। ठीक है, अब एक्स वाई तल में अगर हम देखें तो बहुत सी रेखाएं हैं हमारे पास, तो कहता है L1 L2 के समांतर है। ध्यान से देखो, अगर मैं एक रेखा और बना दूं, एक रेखा L1 ले लेते हैं, दूसरी रेखा L2 ले लेते हैं, और एक और रेखा लेता हूं मैं L3, तीन ले लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, इस रेखा को मैंने कहा L1 है, इसको मैंने कहा L2 है, इसको मैंने कहा L3 है। तो द्वारा परिभाषित संबंध हमको बताना है कि तुल्यता संबंध है। अगर मैं यहाँ पर तुल्यता संबंध देखना चाहूँ तो मैं सबसे पहले स्वतुल्य देखूंगा, स्वतुल्य देखेंगे। तो भाई मेरे को बताओ, समांतर है बोलता है तो क्या L1 कॉमा L1 ही होगा, इज बिलोंग टू R, और ये क्या हो जाएगा फॉर L1 इज बिलोंग टू L। अरे भाई स्वयं स्वयं के समांतर होगी, स्वयं स्वयं के समांतर होती है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। दूसरी बात, सममित देखते हैं बच्चों, तो सममित में क्या होगा, अगर L1 कॉमा L2 देख रहे हैं बिलोंग कर रहा है R में, तो दिस इंप्लाइज करेगा कि L2 कॉमा L1 भी बिलोंग करे R में। भाई समझो, अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर नहीं होगी, होगी तो ये सममित भी है। अगर मैं संक्रामक देखूं बच्चों, क्या देखूं, संक्रामक देखूं, तो मैंने कहा अगर L1 L2 के समांतर है, फिर मैंने कहा L2 L3 के समांतर है, तो भाई L1 L3 के क्या होगी, समांतर होगी कि नहीं। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, होगी। तब यह अतः क्या हो जाएगा बेटो, ये बेटा ये अतः यह क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। अतः यह क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्यता संबंध होगा। क्लियर है, यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब हम रेखा 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का अगर समुच्चय की बात करें, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इस रेखा के समीकरण, जो रेखा का हमारे पास समीकरण दिया है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस c, 2x प्लस c, जहाँ जहाँ c अचर है, जहाँ c क्या है बेटा, अचर है। तो अब इस फॉर्म, ये रेखा का समीकरण है, तो इससे संबंधित समस्त रेखा क्या हो जाएगी, जो इसके पैरेलल हो, जो इसके पैरेलल हो, और पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ढाल जितना भी होगा, इसका ढाल कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसको बताया और, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको mx प्लस c बोल सकता हूँ, जिसमें m को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, तो ढाल कितना है, दो है, तो सभी का ढाल कितना होना चाहिए, दो का होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब जितनी भी रेखा होंगी इस ग्रुप में, वो क्या होना चाहिए, 2x प्लस c के फॉर्म की होनी चाहिए। क्लियर है, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में एक रिलेशन दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो कौन सा उत्तर सही है, हमको सही उत्तर चेक करना है। ध्यान से देखो, पहले बताओ 1 1 का पेयर है, है 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है, 4 4 का पेयर है, है, मतलब कि यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा सममित है, हो सकता है ये हो सकता है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है ये भी हो सकता है, भैया ये स्वतुल्य नहीं है ये तो बात खत्म हो गई, ठीक है, आर एक तुल्यता संबंध है, हाँ ये हो सकता है भी, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाई क्या सममित है, पहली बार देखो 1 2 है तो 2 1 है क्या, 2 1 है क्या, 2 1 है क्या, नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन फिर कट गया, सममित नहीं हो सकता, सममित नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे, सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये तो मिल गया हमारे पास। अब देखते हैं, अब सममित नहीं है, इसका मतलब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो भैया तुल्यता भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन बी राइट है, ऐसी चेक करना है आपको, पूरा नहीं चेक करना भाई, ऑप्शन को काटना सीखो,
ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय n में r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2, b इज लेस देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। एक बार बताऊं आपको, अब उत्तर चुनने के लिए कोई अब रिलेशन मत बताओ, यहाँ पर a और b को पुट करो। चलो a और b को पुट करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है। और b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। पहले बात देखो, b की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं है, खत्म। b की वैल्यू 6 से बड़ी है, ठीक है, b की वैल्यू 6 से बड़ी, ठीक है, b की वैल्यू 6 से बड़ी है वो, ठीक है, पर b में से 2 घटा रहे हैं तो a आएगा, मतलब b की वैल्यू जितनी उससे a की वैल्यू कम होनी चाहिए। b की वैल्यू अधिक है, b की वैल्यू अधिक है, b की वैल्यू कम है, ये ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बचे 2, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अगर b की वैल्यू को मैं 8 रखता हूं, दोनों में जगह 8 है, 8 रखेंगे, 8 में से 2 गया तो 6, ऑप्शन सी राइट है, ये ऑप्शन फिर कट गया, क्लियर है बच्चों। देखिए, जब भी आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसके आप ऑप्शन को कट करने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर बने रहें तो आपको 12th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने मिलेगी, इसके साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ने मिलेगी। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो के साथ आप लोगों से, नए दिन, तब तक के लिए।